टेलीग्राम के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, आप में से बहुत सारे लोग उसका यूज भी करते होंगे। टेलीग्राम सिर्फ एक चैट एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि वो एक सर्च इंजन है, एक क्लाउड एप्लीकेशन है, पैसे कमाने की मशीन है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि टेलीग्राम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसमें ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, चैनल कैसे बनाया जाता है, सर्च इंजन की तरह यूज करके कैसे मूवीज और वेब सीरीज को फाइंड किया जाता है, और इसको क्लाउड स्टोरेज के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओपन करने पर आपके सामने कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आता है। यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंट्री चूज कर लेंगे, हम इंडिया यहाँ पर चूज कर लेते हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल फोन पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, नीचे यहाँ पर कोई लास्ट नेम अगर है तो वो डाल देंगे। यहाँ पर प्रोफाइल इमेज आप चूज कर लेंगे, या तो डायरेक्ट फोटो आप क्लिक कर सकते हैं या आप गैलरी से अपलोड कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर चूज करके ओके कर देंगे। टेलीग्राम आपके कॉन्टेक्ट्स को एक्सेस करने की परमिशन मांग रहा है, अगर आप चाहें तो इसको परमिशन दे सकते हैं, और अगर आपको परमिशन नहीं देनी तो आप यहां नोट नाउ पर क्लिक करेंगे, और यहां पर देखिए आपका टेलीग्राम अकाउंट बन चुका है। यहां 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेन्यू आ जाएगा। मेन्यू में यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप यहां पर ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बनाने के लिए न्यू ग्रुप पर क्लिक करेंगे। ग्रुप में आप किन किन लोगों को ऐड करना चाहते हैं, यहां से आप इस तरीके से टिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर ग्रुप का एक नाम डालेंगे, जैसे कि हम डाल देते हैं टेस्ट ग्रुप। ग्रुप की कोई प्रोफाइल पिक्चर यहां पर आप ऐड कर लेंगे। प्रोफाइल पिक्चर ऐड करके यहां ओके करेंगे और आपका ग्रुप यहां पर क्रिएट हो जाएगा। ग्रुप बनाने के क्या क्या फायदे हैं वो यहां पर शो हो रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप एक साथ 2 लाख मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप पर आप 260 मेंबर्स ही ऐड कर सकते हैं। साथ ही आप अपने ग्रुप का एक पब्लिक लिंक भी बना सकते हैं, जो होगा t.me/ और आपके ग्रुप का नाम, ये आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। ग्रुप में जो भी आप शेयर करना चाहते हैं यहां से कर सकते हैं, ये सेम व्हाट्सएप की तरह है। मेन्यू में यहां पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है सीक्रेट चैट का, यहां से आप किसी के साथ सीक्रेट चैट कर सकते हैं जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। नीचे यहां पर आपको चैनल का ऑप्शन मिलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। न्यू चैनल पर क्लिक करके यहां पर आप चैनल बना सकते हैं। चैनल में आप अनलिमिटेड मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, लाखों करोड़ों जितने आप चाहें, और चैनल से आप बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। यहां क्रिएट चैनल पर क्लिक करेंगे, यहां पहले आप चैनल का एक नाम डाल देंगे, जैसे कि यहां पर हम टाइप कर देते हैं ईशान सेड। चैनल का यहां पर आप एक प्रोफाइल फोटो ले लेंगे, यहां पर आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए कि आपका चैनल किस बारे में है। इसके बाद ओके करेंगे, आपका चैनल यहां पर क्रिएट हो जाएगा। अब आपको चूज करना होगा आप चैनल को प्राइवेट रखना चाहते हैं या पब्लिक। पब्लिक में क्या होगा कि कोई भी पर्सन आपके चैनल को ज्वाइन कर सकता है, उसको फाइंड कर सकता है। प्राइवेट चैनल में ये होगा कि जिसको आप लिंक सेंड करेंगे सिर्फ वही आपके चैनल को ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर आप एक परमानेंट लिंक सेट कर सकते हैं, जो भी आप अपने चैनल का लिंक रखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ ईशान डेमो, देखिए ये अवेलेबल है। अब आपके चैनल का URL हो जाएगा t.me/ishandemo या जो भी आप नाम रखेंगे। इसके बाद यहाँ ओके करेंगे और आप चैनल में किन किन लोगों को ऐड करना चाहते हैं यहाँ अपने कॉन्टेक्ट से ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद नीचे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए चैनल क्रिएट हो चुका है। टेलीग्राम के चैनल से या ग्रुप से बहुत सारे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल बनाकर उसमें बहुत सारे लोगों को ऐड करके आप रेफरल लिंक यहां पर शेयर कर सकते हैं, इसमें आपको रेफरल अर्निंग होती है। साथ ही आप इसमें एफिलिएट लिंक शेयर कर सकते हैं, जैसे अमेजोन का, उसमें आपको एफिलिएट से अर्निंग होती है। और साथ ही काफ़ी सारे स्पॉन्सर भी होते हैं जो आपके टेलीग्राम चैनल में या ग्रुप में अपनी वीडियो को शेयर करने के लिए आपको काफ़ी पैसे भी देते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, चैनल की डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। ये एक पब्लिक चैनल है, यहाँ पर ये लिंक है जो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जो एडमिन है उनकी डिटेल्स आएगी, एक एडमिन है। सब्सक्राइबर कितने हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ ऐड सब्सक्राइबर पर क्लिक करके आप और भी सब्सक्राइबर्स को ऐड कर सकते हैं, और सबसे नीचे आके यहाँ पर आप चैनल को डिलीट भी कर सकते हैं, इससे आपका चैनल डिलीट हो जाएगा।
मेन्यू में नीचे आएंगे, यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, आपको आपके टेलीग्राम की सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है यूजर नेम का। यूजर नेम में क्या होगा कि आप जो भी यूजर नेम सेट करेंगे, कोई भी पर्सन ये यूजर नेम टेलीग्राम में डालकर आपको फाइंड कर सकता है, मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं है। और साथ ही यहाँ पर आपके टेलीग्राम का एक URL भी बन जाएगा, t.me/ और आपका यूजर नेम। यहाँ यूजर नेम डालेंगे, अवेलेबल होगा, आप ओके करेंगे तो आपका यूजर नेम यहाँ पर सेट हो चुका है। यूजर नेम कैसे काम करता है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हम बैक आते हैं, यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप किसी का भी यूजर नेम सर्च करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं डालता हूँ ईशान LLB, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर मैं ईशान LLB से बात कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी मैसेज सेंड कर सकता हूँ, कोई भी मीडिया शेयर कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे इनके मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं है, बल्कि बस यूजर नेम डालेंगे और आप सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप किसी का भी यूजर नेम डालकर उसको फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इसके लिए आपको उसके मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं है। सेटिंग में यहाँ पर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ से आप अपनी प्राइवेसी को सेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर किसको शो करना चाहते हैं, लास्ट सीन एंड ऑनलाइन आप किसको शो करना चाहते हैं, प्रोफाइल फोटो, कॉल्स, ग्रुप्स, ये सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। टेलीग्राम एक चैट एप्लीकेशन होने के साथ साथ ही एक सर्च इंजन भी है। इसमें आप कोई भी मूवी, वेब सीरीज, कोई भी फोटो, कोई भी यूजर प्रोफाइल, कोई भी चैनल, ग्रुप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए बस आप यहां सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहां पर हमें एक वेब सीरीज देखनी है टाइपराइटर, जो कि नेटफ्लिक्स पर आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। टाइपराइटर यहां पर हमने टाइप कर दिया। अब आपके सामने यहां पर काफी सारे चैनल्स और ग्रुप्स आ जाएंगे जिन्होंने इस वेब सीरीज को शेयर किया हुआ है, तो आप यहां से कोई भी एक चूज करेंगे। जैसे कि हम ये वाली चूज कर लेते हैं और इसमें यहां पर देखिए आपको टाइपराइटर वेब सीरीज मिल जाएगी। यहां डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। सबसे नीचे आएंगे, यहां पर मैं रोबोट नहीं हूं ये सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यहां पर लिंक जनरेट हो रहा है, काफी सारी एडवर्टाइजिंग भी होती है, लेकिन आपको कोई भी मूवी या वेब सीरीज यहां पर मिल जाती है। लिंक यहां पर जनरेट हो गया, गेट लिंक पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपके सामने फाइनली वेब सीरीज आ जाएगी। नीचे आएंगे, यहां डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इसका साइज भी आप यहां पर देख सकते हैं, पूरी सीरीज का साइज है 2.45 GB, मतलब के 2.5 GB के आसपास। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ऐड आएगा, बैक कर देंगे, यहां पर वेट करेंगे 3 से 5 सेकेंड का, स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फाइल आ जाएगी। आप यहां डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहां पर फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। आप अगर चाहें तो इसको क्रोम ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हैं। यहां ओपन इन क्रोम पर क्लिक करेंगे, ये क्रोम ब्राउजर में आ जाएगा और यहां आप डाउनलोड में देख सकते हैं अपनी डाउनलोड होने वाली फाइल्स को। तो यहां पर देखिए टाइपराइटर सीरीज डाउनलोड हो रही है, 1% ये डाउनलोड हो चुकी है। इस तरीके से टेलीग्राम में आप आसानी के साथ किसी भी मूवी, वेब सीरीज को डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी यूजर, चैनल, ग्रुप को फाइंड कर सकते हैं। टेलीग्राम को आप एज ए क्लाउड स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप गूगल ड्राइव या मेगा या ड्रॉप बॉक्स में अपने डेटा को रखते हैं, इसी तरीके से आप टेलीग्राम में भी रख सकते हैं। इसके लिए यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे और आप सर्च करेंगे सेव। यहाँ सेव मैसेजेस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर अपना अनलिमिटेड डेटा सेव करके रख सकते हैं। जो भी डेटा आप टेलीग्राम में स्टोर करके रखना चाहते हैं वो आप यहां से चूज करेंगे। इसमें आप कोई भी वीडियो, ऑडियो, कोई भी फोटो, इमेज, कोई भी फाइल जैसे कि एक्सेल या कोई भी वर्ड फाइल या PDF फाइल, कॉन्टैक्ट, APK फाइल, कुछ भी आप यहां पर स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि हम यहां पर कोई फाइल स्टोर करके रखना चाहते हैं, फाइल पर क्लिक करेंगे, यहां से मैं एक PDF फाइल चूज कर लेता हूं। यहां पर देखिए ये फाइल अपलोड हो चुकी है। अब आप कहीं भी अपने टेलीग्राम अकाउंट में लॉग इन करेंगे, सबसे ऊपर ही यहां पर आपको सेव्ड मैसेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें जाएंगे और आप यहां से अपनी फाइल को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। इसका आपको एक बेनिफिट ये भी मिलता है, जैसे कि आपके पास कोई कंप्यूटर या लैपटॉप है और आपको बार बार अपने मोबाइल फोन से कोई फोटो फाइल अपने कंप्यूटर में डालनी होती है, तो आप या तो USB का इस्तेमाल करेंगे या ईमेल का, या फिर आप गूगल ड्राइव में उसको अपलोड करेंगे। लेकिन आप सिंपली यहां पर भी उसको अपलोड कर सकते हैं और आप अपने कंप्यूटर पर टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। ये कंप्यूटर के लिए भी अवेलेबल है और आप वहां पर सेव्ड मैसेजेस में इस फाइल को पा लेंगे। तो मैं आमतौर पर यही करता हूं कि मैंने कंप्यूटर में भी टेलीग्राम को डाउनलोड किया हुआ है और मोबाइल में भी। जब मुझे कंप्यूटर से मोबाइल में कोई फाइल सेंड करनी होती है तो मैं यहीं पर अपलोड कर देता हूं
और फिर मैं उसको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर दोनों पर एक्सेस कर सकता हूँ। अभी जैसे कि ये विजिटिंग कार्ड है, इसका फोटो मुझे अपने कंप्यूटर में सेंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका एक फोटो क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं इसका एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन में आएंगे, सेव्ड मैसेजेस में यहाँ पर चूज कर लेंगे यही फोटो। फोटो यहाँ पर सेंड हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कंप्यूटर पर ये किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ अपने कंप्यूटर पर मैं टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर इसमें देखिए सेव्ड मैसेजेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे यहाँ पर देखिए ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है। अब इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो इस तरीके से अपने कंप्यूटर से मोबाइल फोन पर या मोबाइल से कंप्यूटर पर कोई भी फाइल, ऑडियो, वीडियो या कोई भी इमेज आसानी के साथ आप ट्रांसफर कर सकते हैं। टेलीग्राम को मोस्टली मैं दो कामों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। एक तो मैं इसको एज ए क्लाउड स्टोरेज यूज करता हूँ। इसमें मैं अपनी काम की फाइलें, डॉक्यूमेंट्स जिन्हें मुझे कहीं से भी एक्सेस करने की जरूरत पड़ सकती है, उन्हें मैं स्टोर करके रखता हूँ। और दूसरे मैं इसको सर्च इंजन के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। इसमें वेब सीरीज, मूवीज को बहुत ही आसानी के साथ फाइंड करके, डाउनलोड करके देखा जा सकता है। सो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।